तो इंडियन मॉम पारुल, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली डेकोरेशंस के कुछ आइडियाज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा गेट का एंट्रेंस का डेकोरेशंस प्लस डाइनिंग टेबल को आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं एंड जो कॉफी टेबल या सेंटर टेबल होती है उसको आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी डेकोरेशंस में मैंने चीज़ें यूज़ करी है लाइक कैंडल्स, दियाज या कुछ भी, वो कोई भी चीज़ मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं करी है। मैंने जो लोकल वेंडर्स होते हैं या लोकल शॉप्स होती है उससे परचेज किया। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करिए कि हम लोकल को सपोर्ट करें और उन्हीं से परचेस करें, क्योंकि यही जो टाइम है फेस्टिव सीज़न का, उन लोगों का भी फेस्टिवल मनाइए और कोशिश करिए कि उन्हीं से ही हम परचेस करें। ये रहा मेरा डाइनिंग टेबल बिफोर मेकओवर। बिल्कुल ही सिंपल रखती हूँ मैं डाइनिंग टेबल को। चलिए स्टार्ट करते हैं डेकोरेट करना। मैंने एक राउंड सर्कल का रनर रखा है टेबल के ऊपर जो बहुत ही सुंदर वाइट एंड ब्लैक कलर का है। उसको ही कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैंने आउल शेप का एक प्लांटर लिया है, उसमें मैंने मनी प्लांट प्लेस किया है। मैं डेकोरेशन को बहुत ही सिंपल येट स्टाइलिश रखना चाहती हूँ। बहुत भरा भरा डेकोरेशन मुझे पसंद नहीं है। ये मैंने कुछ टी लाइट होल्डर्स परचेस करे थे, उसको मैंने साइड में इस तरह से दोनों तरफ रख दिया है। ये टी लाइट होल्डर्स हैं, इसको आप ऐसे भी रखेंगे आफ्टरनून में वो भी सुंदर लगेगा, नाइट में आप टी लाइट जलाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक इम्प्रेशंस आते हैं। जो प्रिंट आप देख रहे हो ना ग्लास के ऊपर वो बहुत ही सुंदर उठ के आएगी। उसके बाद मैंने कुछ आर्टिफिशियल सी ये माला ली थी। आप ओरिजिनल माला भी यूज़ कर सकते हो बट मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल माला आप जब रखते हो टेबल पे तो ये बहुत दिन तक एग्जिस्ट करती है, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने टी लाइट्स को ऑन करके उसके अंदर प्लेस कर दिया है टी लाइट होल्डर के अंदर। बस उसके बाद मैं ये जो ऑटोमेटिक लाइट्स आती हैं ऑन एंड ऑफ वाली वो मैं प्लेस कर दूंगी सब तरफ। बस ये मैंने फोर कॉर्नर्स में इस तरह से जो ये लाइट्स हैं इसको प्लेस कर दिया है और मेरा डाइनिंग टेबल का डेकोरेशन रेडी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे बहुत ही सिंपल और सोबर लुक देना था। देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लाइट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ग्लास के ऊपर वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटर टेबल को डेकोरेट करना। ये आप बिफोर देख सकते हैं, इस तरह सा एक लॉन्ग में रनर लेके आई थी, इसमें सीक्वेंस का एंड जो स्टार्स वगैरह आते हैं उस पर वर्क हो रहा है। बहुत ही सुंदर मल्टी कलर का ये रनर है, ऑरेंज ग्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सारे कलर्स हैं। इसके बाद मैं लोकल वेंडर से इस तरह से मिट्टी का पॉट लेके आई थी जो टेराकोटा के पॉट्स आते हैं। ये बहुत ही दिवाली पे सेल होते हैं, हर आपको कोई भी चौराहे पे या कॉर्नर्स में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर वहीं से ही मैंने एक ये फ्लावर भी लिया था, इसके अंदर मैं पानी भर दूंगी। पानी भरने के बाद हम फ्लावर को प्लेस कर देंगे और मैं ये कुछ टी लाइट्स की थाली आती है डेकोरेटिव थाली, इसको मैं यहाँ पे साइड में दोनों तरफ रख दूंगी पॉट के। बहुत सारी वैरायटी आती है इसमें, कलर्स भी आती है, मल्टी कलर भी आती है, आप इससे रंगोली भी बना सकते हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब बारी आती है मेरे मेन डोर को डेकोरेट करने की। ये बिफोर आप लोग देख रहे हो इस तरह से मेरा एंट्री गेट दिखता है जो डेली में रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन करना। मैंने दो डोर हैंगिंग्स लिए ऑरेंज एंड येलो कलर की। और मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर भी यूज़ किए थे डेकोरेशन के लिए। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने तोरण रेडी किया था। अब ये मैं दो स्टूल लेके आई थी जिसमें थ्री साइड एलिफेंट बने हुए हैं और इसके ऊपर भी मैंने एक पॉट लिया है जो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। ये देख सकते हैं आप लुक जब पॉट को मैंने साइड में दोनों तरफ रख दिया था।
ये शुभ लाभ भी मैं उन्हीं भैया की शॉप से लेके आई थी। मोर की डिज़ाइन बनी है शुभ लाभ के ऊपर। मेन गेट के साइड में ही मेरी शूरेक भी रखी हुई है, तो मुझे लगा इसका भी डेकोरेशन चेंज करना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल डोरमैट है, बट इसको मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगी। ग्रास मैट आती है, और इसके आसपास भी मैंने एक ये जो अंकल जी बैठे हुए हैं सितार बजाते हुए, और आंटी जी जो राजस्थानी लुक में है, और इसके बीच में मैंने एक पॉट रख दिया है। यहाँ पर मेरी बेटी इसके अंदर पानी डाल रही है, इसमें भी हम फ्लावर प्लेस करेंगे। फ्लोर पर मैंने आर्टिफिशियल जो रंगोली आती है प्लास्टिक की, उसको प्लेस किया है। यहाँ पे कलरफुल दिया उनके साइड में रख दिया है। जिनको भी रंगोली बनानी नहीं आती है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, इस तरह से आप रंगोली बना सकते हैं। ये रहा मेरे मेन गेट का फाइनल लुक आफ्टर डेकोरेशन।